Hey guys, assalamu alaikum. This is Muza Fakhan and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज है जुम्मा और आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और आज कुछ स्पेशल नहीं है, लाइक एक एक्सपीरियंस का दिन है हमारा। मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ जो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं किया, लेकिन लोगों ने मुझे बोला ना कर ना कर ना कर, लेकिन मेरी अम्मा ने बोला कर कर कर। तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो मैं वो भी आपको नमाज के बाद बताऊँगा। बस गया आया हम हमाद का कार्ड लेने के लिए, बैंक वाले बंदे बन गए अभी। अस्मतुल्ला भाई 50 रुपए की प्राइस बना दो। केचप चटनी, और केचप में डालना चटनी, केचप डाल, गार्लिक डाल दो थोड़ा सा। भाई ये है हमारा ऑफिस A&M का, हमारे यहाँ पे गाड़ी लेना भाई से, और साथ में अस्मतुल्ला भाई ने हमेशा प्राइस खिला खिला के मोटा कर दिया भाई। मेरे पहले खा जब बात ला दो। शुएब भाई कोल्ड ड्रिंक तो हो जाए। कोल्ड ड्रिंक भाई यहाँ पे गर्मियों में आप आए और यहाँ पे आपको ठंडी ठंडी बर्फ के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे। देखे होए होए, कौन सी पिला रहे हैं? द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। मैं कौन सी पीता हूँ? आप कुछ भी पी लेते हैं। ठंडी वाली कहाँ है? यहाँ पे होती है ना ठंडी। तो इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि मना नहीं करते कभी कोल्ड ड्रिंक का, और खासतौर पर माद आ जाओ तो बोलते हैं तुम तो जितनी पीनी है पियो। ये ऑफिस के खाते में मत लिख देना, अभी बता रहा हूँ। बोल रहे ऑफिस के वैसे ही बहुत सारे पैसे कोल्ड ड्रिंक के, क्या बोल रहे इनको भाई? आप पैसे देके कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं तो उसको कुछ कह नहीं रहा। हमारे से तो पैसे ही नहीं ले रहे ना वो, हमारे से तो ले ही नहीं रहे। आपको जानता हूँ, आप मुझे बताएं आपने मुझे क्या बोला है? मैंने पैसे मांगे नहीं आपसे, ना मुझे चाहिए आपसे। आप पैसे पुराने भी देते और मेरा भी लेना। अरे यार क्या बंदा है यार। आ जाओ भाई, ये लिटरली पिछले 3 मिनट से हमारा फोन रखा हुआ है यहाँ पे, और हमें लग रहा है वीडियो बन रही है, और जब मैंने फोन उठाया तो वीडियो ही नहीं बन रही। फर्स्ट रिएक्शन हमात वीडियो नहीं बन रही। तो भाई अब मैं आपको बताऊँ हम क्या करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं क्लीन शेव होने के लिए, जिंदगी में पहली बार। अच्छा, दिल धक-धक हो रहा है भाई। मम्मा हमारे काफी टाइम से पीछे लगी हुई, भाभी भी भाई भी। पर इस जगह मैंने अपने आप को एक बार सोचा कि मेरे दोस्त अगर अक्सर करवा के आते हैं तो हम इन बेचारों का इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं कि वो बेचारे खुद से शर्मिंदा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं नकली बाल लगा के इनके सामने आ जाऊँ ताकि हंसे ना ये लोग। तो भाई एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो चलो मेरा ख्याल है मैं घर में रहता हूँ, मेरा तो मजाक बढ़ेगा नहीं। ये डेली बाहर जाता है पूरा फ्री दिन, उसका क्या होता है? क्योंकि पहली बार है भाई, तो ऐसे ही नहीं करवा सकते, ऐसे ही नहीं देख सकते। हाँ भाई देखो कैसा लग, अब देखते हैं कैसा होता है। तो अब हम जा रहे हैं करवाने, और दुआ करिएगा हमारे लिए कि अच्छा हो। सो देखिए हमाद का पैर का भी मसला है, तो घर से बाहर नहीं निकलता है। तो निकलने दिल भी नहीं करता घर से बाहर, कसम खुदा की। और अभी वैसे भी नहीं करेगा, और नहीं करेगा। तो भाई हम जा रहे हैं बाल कटवाने, पहली बार है, कोई बात नहीं, बुरे भी लगे तो बात भी नहीं करवाएंगे। बाहर हमने बेड बनवा के, मम्मा कहती है बाल कटवा के, और हम जाके वो क्या आते कह रही है अभी तक बाल नहीं कटवाने गए, बोलते वो कर आ गए। वो कहती पैसे जाया कर रहे हो, पापा पैसे ही नहीं लेता। भाई हमारे दोस्त के अब्बा हमसे पैसे नहीं लेते, हम क्या करें भाई। ये देखें कैसे मजे से घूम रहे हैं, अकेले अकेले जा रहे हैं, रक्षे जा रहे हैं, बाइके जा रही है। यहाँ देखो, और ये एक ऐसा है कि आप जिस रोड पे हो गए ना उस रोड पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है वो खाली है। जिस जगह पे आप होंगे उधर ट्रैफिक होगा, जिस जगह से आप चले जाओगे वहां पे आपको खाली मिलेगा। तो ये देखिए कराची की नदी से डूबता हुआ सूरज। तो भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल अंकल, कैसे हैं? क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, लगभग
अरे ये को पता करवाने के आज जी क्लीन शेव नहीं यार अंकल सच में हम क्लीन शेव करवाना है आपको मजाक लग रहा है आपको भी लग रहा है बिल्कुल अब आखिरी बार अपनी मुंह देख रहे हैं भाई हम वाकई में क्लीन शेव होना है ना ये मान ही रहा है भाई हमारा क्या करना है भाई क्लीन शेव हो रहा है ये अबे भाई ये भी भाई क्लीन शेव होने से पहले के शक्ल देखें इसकी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ जगह उसके बाल भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप बाल बहुत झड़ रहे हैं ना इसके देखो नहीं है एक भी नहीं आया अबे नहीं कल अभी भी नहीं आया कहाँ से झड़ रहे हैं बाल बालों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसकी एक दो तीन पिल्ले इसकी ना थोड़ी सी मुझे रह देना यहाँ तक की ना मुझे किचन बना देना इसको अबे चार्ली चैपलिन ये देखो मत सॉरी भाई मैं तो जा रहा हूँ मैं नहीं करा रहा भाई मैं नहीं करा रहा भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है मेरी अब सोच मैं तेरा तो मजाक उड़ा रहा हूँ तो बाकी क्या बोलेंगे इधर तो देखा एक सेकंड स्माइल कर अब मुझे काटोगे कैसा लग रहा है अब मैं नहीं करा रहा मेरे को अपने घर जाना है मुझे अपने घर जाना है आंट गंजा कर देंगे अगर पार्टी पर अबे भाई शुरू तो करो दिल कैसा हो रहा है धक 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 मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा था जब बस कुछ देर और है इज्जत लूटने में इज्जत लूटती है पहली बार ही इज्जत लूटती है बेटा सही वाली इन्होंने पहले बोल रहा था ये भाई मैं तो अभी से ऐसी ऐसी बहुत मुश्किल से रोकनी पड़ रही है यार पठानों के लिए सैंपल तैयार हो खड़िया कटने वाला है कट चुका है जब्बा जरा जब्बा आधा डाउन चार्ली चैपलिन यही रहने दे नहीं 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 काटना नहीं काटना बस ओ भाई काटो अबे क्यों काटो उसको सोचा था कभी ना कभी तुम मुझे बताओ दूंगा परफेक्ट है यार सारे अनसब्सक्राइब कर देंगे मुझे तो गाइस दिस इज द फाइनल लुक और ये आप बताएंगे कि लुक अच्छा लगा लेकिन मुझे तो पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने सोचा अगली बार नहीं करना है तो आए अब लेते हैं लोगों से रिव्यू सबसे पहले तो आए हमाद को दिखाऊं ना मैं जरा सो ये रहा हमाद हमाद तो अच्छा लग रहा है हमाद की जॉब भी अच्छी लग रही है पक्की बात है झूठ बोलने वाले पे पता क्या है मगर आइंदा के बाद से नहीं करवाना मतलब मैं समझ गया आप बताना आप तो शुरू से ही मेरे खिलाफ थे सही लग रहा है जबरदस्त तो भाई मैं घर पहुंच गया हूँ अभी अभी और मम्मा रूम में बैठी हुई है आया सबसे पहले तो मम्मा का रिएक्शन लेते हैं मम्मा का रिएक्शन कैसा होता है मास्क मैंने पहना हुआ ताकि सब देख के पहले से वो ना हो जाए अम्मा कैसी लग रही है जवान छोटी छोटी उतार दिया भगवान ये ना माँ अरे माँ है माँ को किसी हाल में भी दिखा दो माँ बोलेगी अच्छे लग रहे हैं मम्मा तू भी इतना अच्छा लग रहा है पक्का तो फिर ऐसे मम्मा की ख्वाहिश थी मेरी ख्वाहिश है बस हमारा अब कोई दोस्त बोले या कोई भी कुछ बोले बोल दो बोलो भाड़ में जाए भाड़ में जाता हमें नहीं सुनना हमारी अम्मा ने मत बोल दिया बोले वो गलत बोल रहे अच्छा पहले बोलती है बुरी चीज को बुरी अभी बहुत अच्छे लग रहे थैंक यू शक्ल निकल के आई खाना बना लिया चलो आ जाओ खाना बना लिया हम तो हीरो लग रहे खाना बना लिया हाँ तो भाई मैंने मम्मा को कॉल की मम्मा भूख लग रही है कुछ खाना बना दे मम्मा ने मुझे बोला कि कढ़ी बनाइए देखें और मैंने मम्मा को क्या बोला मम्मा नहीं मम्मा ने कढ़ाई बनाई मेरे लिए सिर्फ 15-20 मिनट थैंक यू चलो दो दो इंसान बन गए माशाल्लाह ये तीसरे की सही लग रहा है बिल्कुल
परफेक्ट लग रहा है। अच्छे लग रहे हो दोनों यार माशाल्लाह। हाँ, लग रहे सही उम्र के हैं 20 साल के लगने चाहिए। हाँ, बड़े बड़े लग रहे हैं। 24 साल के लग रहे होते हैं। बस सही है ना, पर अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छी बात है। सीरियस बिल्कुल सीरियस नहीं अच्छे लग रहे हो। अपनी तो तुम कटवाओ। माशाल्लाह खैर अच्छे लग रहे हो दोनों माशाल्लाह। सुनी ली दोनों ने मेरी आखिर बहुत बोल की तुम्हारी और अम्मा की। बस मम्मा तो देखते के साथ ही कह रही है जवानी वाले बाबा लग रहे हो। सच में बाबा खुश होते याद है ना करवा के लाए थे। तो गंजा करवाया था भाई। तो गंजा कराया था। कर दिया गंजा। ये तो फिर हम खुद हुए। अली ने नाम क्या रखा था? वो गीता पवित्र। नहीं नहीं वो भी आई थी वो तंग करता। कढ़ाई ले आओ। ये रही हमारी कढ़ाई अम्मा की। स्पेशली हमारा तो मेरे लिए बनी है इस कढ़ाई। तो भाई ये था एक न्यू एक्सपीरियंस जो हमने फर्स्ट टाइम किया है और ये मुझे तो बहुत नॉर्मल लगा, लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट में आप लोग को कैसा लगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग होता है हमारा खत्म। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।